हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑटो स्पेस। आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि एयर ब्रेक सिस्टम बेसिक, मतलब बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम कैसे काम करते हैं, वो बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होता है ये हम लोग आज जानेंगे वीडियो के द्वारा। और ब्रेक सिस्टम क्या होता है, ब्रेक सिस्टम ये होता है कि डी एक्सलेट द व्हीकल स्पीड, मतलब व्हीकल का गति जो है उसको रोकना है, इसके लिए हमारा गाड़ी में ब्रेक का जरूरत पड़ता है। तो आप लोग जानते होंगे बहुत सारे ब्रेक हमारा गाड़ी में रहते हैं, जैसा पहले था मैकेनिकल ब्रेक था, उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, इंजन ब्रेक, एग्जॉस्ट ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक, बहुत सारे ब्रेक सिस्टम हमारा एज पर रिक्वायरमेंट बहुत सारे गाड़ी में अलग अलग प्रकार की ब्रेक रहते हैं। तो हम लोग जो एयर ब्रेक सिस्टम में जानेंगे आज, उसका बेसिक मतलब ये कौन सा गाड़ी में यूज, मैक्सिमम आप देखेंगे जो हेवी कॉमर्शियल व्हीकल जो होता है वो व्हीकल में एयर ब्रेक सिस्टम मैक्सिमम ज्यादातर यूज होता है। मैक्सिमम ये एयर ब्रेक सिस्टम हेवी व्हीकल्स में क्यों जरूरत पड़ता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी रहता है उसके थोड़ा गुण ज्यादा ब्रेकिंग एफिशिएंसी एयर ब्रेक सिस्टम में होता है, इसलिए जो हेवी कॉमर्शियल व्हीकल रहता है उसमें हमारा एयर ब्रेक सिस्टम को यूज किया जाता है। तो जो अभी लर्निंग या बेसिक लेवल में है उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल एयर ब्रेकिंग सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट हमारा रहता है और वो कैसे फंक्शन करता है, उसका कंपोनेंट का काम क्या है। चलिए आज जानेंगे बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होता है और उसका क्या काम है। आप यहाँ पे देखेंगे एक ड्राइंग बना हुआ है बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम में और उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो बेसिक एयर ब्रेक सिस्टम में क्या क्या मेन कंपोनेंट ये होता है कि हमको एक कंप्रेसर चाहिए जो कंप्रेस्ड एयर हमारा सिस्टम में भेजे, मतलब एयर ब्रेक सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर भेजने के लिए एक कंप्रेसर चाहिए। और कंप्रेसर के बाद जो हम लोग एयर एटमोस्फियर से कंप्रेसर कंप्रेस करके सिस्टम में भेजते हैं एयर ब्रेक सिस्टम में, वो हवा के अंदर बहुत सारे मॉइस्चर रह जाते हैं, तो वो मॉइस्चर निकालने के लिए हम लोग कंप्रेसर के बाद यूज करेंगे एयर ड्रायर को, जो हमारा जो सिस्टम में एयर जाएगा वो बिल्कुल ड्राई होके जाएगा, यानी वो एयर के अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा। मॉइस्चर रहने से आगे जाके बहुत सारे कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेक सिस्टम में लीकेज या कुछ डैमेज होने का चांस रहता है, इसलिए हम लोग ब्रेक सिस्टम में जो भी एयर इंटर करते हैं उसको बिल्कुल ड्राई करके इंटर करते हैं। वो जो सिस्टम में इंटर होता है तो उस एयर में आपको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, बिना मॉइस्चर एयर को, मतलब एयर को बिल्कुल सूखा के हम लोग सिस्टम में डालते हैं। अभी सिस्टम में डालने के मतलब एयर ड्रायर जो है, एयर ड्रायर के बाद रहेगा हमारा एयर टैंक या एयर रिजर्वर टैंक, जिसमें एयर हम हमेशा हमारा ब्रेकिंग सिस्टम के लिए स्टोर करके रखते हैं, वो स्टोर एयर हमारा ब्रेकिंग सिस्टम में काम आते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में मतलब एयर टैंक की बात बेसिकली आता है फुट ब्रेक वाल्व, जो हमारा ब्रेक पैडल का उधरी, मतलब उसका स्थान ब्रेक पैडल का उधरी होते हैं। जैसा हमारा ब्रेकिंग मतलब गाड़ी को रोकने का जरूरत पड़ता है तो हम लोग ब्रेक पैडल को दबाते हैं, ब्रेक पैडल में दबाने के बाद थ्रो फुट ब्रेक वाल्व होके वो एयर जाता है हमारा ब्रेक चेम्बर में, या वहां पे जाके जो व्हील में जो मैकेनिज्म है, मतलब व्हील रोकने का जो मैकेनिज्म है उसमें हमारा एक्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहले आते हैं कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर जो कंप्रेस करके एयर को सिस्टम में भेजता है। तो एयर कंप्रेसर कहाँ से ड्राइव लेता है, एयर कंप्रेसर बेसिकली इंजिन से ड्राइव लेता है, एक गियर के द्वारा इंजिन से एयर कंप्रेसर ड्राइव लेता है। तो एयर फिल्टर रहता है हमारा सिस्टम में, मतलब गाड़ी में जो भी एयर फिल्टर रहता है वो एयर फिल्टर से कनेक्ट होता है एयर कंप्रेसर का इनपुट लाइन, यानी एयर कंप्रेसर जो भी एयर खींचेगा वो बिल्कुल फिल्टर के द्वारा फिल्टर होके ही आएगा। एयर कंप्रेसर एयर को खींचा, फिर उसको कंप्रेस करके आगे भेज दिया एयर ड्रायर के पास। एयर ड्रायर का काम यह होता है एयर को ड्राई करना, एयर सिस्टम में जो भी मॉइस्चर है उसको सोस लेना, सोस के एयर को शुष्क बना, मतलब बिल्कुल ड्राई बना के उसको एयर टैंक में हमको सप्लाई कर देता है। जैसा एयर टैंक में एयर चला गया, यहाँ पे आपको एयर स्टोर हो गया, हमारा सिस्टम में ब्रेकिंग के लिए एयर स्टोर हो गया। एयर टैंक में देखेंगे यहाँ से नीचे छोटा वाला एक वाल्व दिया रहता है, वो है सेफ्टी वाल्व। कभी कभी ऐसा होता है कि एयर सिस्टम में
कंप्रेसर तो जब तक इंजन चलेगा कंटिन्यू या कंप्रेस करके सिस्टम या सिस्टम में भेजते रहेगा। हमको तो एक नॉर्मल मतलब 8.1 बार हमारा एयर प्रेशर रहता है सिस्टम में, 8.1 बार हमारा सिस्टम में एयर प्रेशर रहते हैं। जैसा 8.1 बार हो जाता है तो बेसिकली एयर ड्रायर के बाद एक अनलोडर वाल्व रहता है। जैसा सिस्टम में 8.1 बार के ऊपर प्रेशर हो गया तो वो सिस्टम से ये जो कंप्रेसर कंटिन्यू एयर दे रहा है वो आगे नहीं भेजेगा, यहाँ से वो एयर को ब्रेक कर देगा यानी एटमोस्फेयर में एयर को छोड़ देगा, आगे नहीं भेजेगा। तो ये बेसिक सर्किट में समझा रहा हूँ, इसीलिए वो वाल्व को यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया। पहले आप बेसिक जो सर्किट होते हैं वो सर्किट समझ जाइए, फिर आगे जाके आपको जो एडवांस है या जो अभी मॉडर्न व्हीकल्स में सिस्टम आ रहा है उसके बारे में सारे कुछ जानकारी हम दे देंगे आपको। तो जैसा एयर टैंक में एयर है, यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व आता है। जैसा कभी कभी एयर यदि ज्यादा हो जाता है या मतलब ज्यादा हो गया तो फिर सिस्टम में ये प्रॉब्लम होता है कि कोई भी पाइप आपको तोड़ दे, क्योंकि उसका कैपेसिटी रहता है 8.1 बार सिस्टम में हमको मैक्सिमम एयर प्रेशर चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो सेफ्टी वाल्व एयर को यहाँ से एटमोस्फियर में रिलीज कर देता है। सेफ्टी वाल्व यहाँ पे एटमोस्फियर में मैक्सिमम मतलब ज्यादा एयर अगर 8 बार के ऊपर एयर प्रेशर चला गया उसको रिलीज कर देगा यहाँ से। और एयर और एक काम होता है, जैसे हम लोग एयर ब्रेक सिस्टम में मेंटेनेंस का भी जरूरत पड़ता है, जो एयर ड्रायर सिस्टम का ना जो भी फिल्टर वगैरह रहता है वो अगर हम पीरियडिकली मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो उतना मॉइस्चर वो कंज्यूम नहीं पड़ता हमारे अंदर, मतलब एयर से ज्यादा मॉइस्चर वो सोर्स नहीं पाता है। तो ज्यादा मॉइस्चर जाएगा तो एयर टैंक के अंदर जो कंप्रेस एयर रहता है कभी कभी मॉइस्चर यहाँ पे पानी बन के यहाँ पे स्टोर हो जाता है, एयर के साथ पानी भी स्टोर हो जाता है। जैसा पानी स्टोर हो जाता है कभी कभी हम लोग आप देखेंगे जो गाड़ी का जो एयर टैंक है उसके नीचे जो वाल है सेफ्टी वाल, उसको दबाने से कभी कभी पानी निकलता है, मतलब आपका एयर ब्रेक सिस्टम में जो ड्राइंग सिस्टम है वो ड्रायर का जो फिल्टर है वो काफी ज्यादा दिन चल गया है या काफी उसको मतलब एयर को ड्राई करने का क्षमता नहीं है, वो खराब हो चुका है, इसीलिए हमारा सिस्टम में कभी कभी एयर टैंक के अंदर पानी भी आपको जमा हो जाता है। एयर ब्रेक सिस्टम में जैसा एयर स्टोर हो जाता है वो एयर डायरेक्ट आपको फुट ब्रेक वाल्व की ए पोजीशन तक कांस्टेंट आपको गाड़ी में एयर आके रुका रहता है यहाँ पे, जब हमारा ब्रेक का जरूरत नहीं है मतलब वो कंडीशन में कांस्टेंट आपको एयर यहाँ पे यहाँ तक रुका रहता है फुट ब्रेक वाल्व जो है। अभी हमको गाड़ी को रोकना है या कोई भी सिचुएशन में हमको गाड़ी को डी एक्सलेट करना है तो उस टाइम क्या है हम लोग फुट पेडल जो है जब मान लो ब्रेक पेडल जो इसको बोलते हैं ब्रेक पेडल, जैसा हम दबाएंगे वो एयर क्या होता है यहाँ पे कंटिन्यू रुका रहता है यार, तो दोनों एयर ये दोनों सिस्टम में जैसा फुट पेडल हम लोग दबाएंगे या ब्रेक पेडल को दबाएंगे वो एयर फुट ब्रेक वाल्व के द्वारा दोनों एक्सेल में चला जाएगा। ये है फ्रंट एक्सेल, मैंने एफ ए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये है रियर एक्सेल, मैंने एफ ए आर ए रियर एक्सेल लिखा है। तो जैसा दोनों सिस्टम में वो चला गया जैसा हम ब्रेक पेडल दबाए तो एयर दोनों सिस्टम में आके यहाँ पे पीछे एक्सेल का दोनों व्हील में दोनों ब्रेक चेंबर रहता है और सामने एक्सेल का दोनों व्हील में ब्रेक चेंबर रहता है। अगर गाड़ी का ऐसा कंडीशन होगा तो यहाँ फ्रंट एक्सेल यहाँ रियर एक्सेल, फ्रंट एक्सेल में दो ब्रेक चेंबर, रियर एक्सेल में दो ब्रेक चेंबर, ये दोनों ब्रेक चेंबर में जाके यार पुश करता है। जैसा पुश किया ब्रेक चेंबर का जो ये लीवर है ये लीवर एक्सटेंड हो गया ऐसा बाहर आ जाता है तो हमारा उस टाइम ब्रेक लग जाता है। जैसे बाहर आ गया ब्रेक लग जाते हैं, जैसा हम लोग ब्रेक छोड़ देते या पेडल को छोड़ दिया ब्रेकिंग का जरूरत नहीं है तो उस टाइम क्या होता है वैसा ही जैसा हवा आ रहा था वो काट हो जाता है या और ये लाइन में जितना हवा गया था वो रिटर्न आके यहाँ से एटमोस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब ब्रेक दोबारा छोड़ देता है। ये है बेसिक सिस्टम। चलिए हम देखेंगे ब्रेक सिस्टम में, जैसा आपने देखा है ये ब्रेक जो चेंबर है वो कैसा बाहर एक्सपेंड होता है उसका पुश रॉड और कैसे अंदर चले जाते हैं ब्रेक छोड़ने के बाद, और हम देखेंगे ब्रेक सिस्टम कैसे व्हील को रोकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेक चेंबर मतलब व्हील को कैसे रोकते हैं वो सिस्टम थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है। ये जो बाहर वाला आउटर पोर्शन देख रहा है ये होता है आपको ब्रेक ड्रम, जो ब्रेक ड्रम के ऊपर व्हील माउंटेड होता है। ये ब्रेक ड्रम के अंदर आप देख रहे हैं इस टाइप के कंपोनेंट देख रहे हैं, ये है आपको एस कैम बोलते हैं, ब्रेक ड्रम के अंदर रहता है
और इस कैम का जो सेफ्ट है वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, यहाँ पे कॉम्पोनेंट रहता है, ये है स्लैग एडजस्टर, ये है स्लैग एडजस्टर, और स्लैग एडजस्टर साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ये जो ब्रेक चेम्बर आप यहाँ पे देखा था, वो ब्रेक चेम्बर का जो पुश रग है वो डायरेक्ट स्लैग एडजस्टर कनेक्ट रहता है, स्लैग एडजस्टर के साथ कनेक्ट रहता है आपको इस कैम। और यहाँ पे जो ये रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ब्रेक ड्रम के अंदर, वो रेड वाला पोर्शन होता है ब्रेक शू। ये दो ब्रेक शू छोटा सा दो दो रोलर के साथ ये इस कैम के ऊपर माउंट होता है, उसको माउंटिंग करके रखता है। ये दो रिटेनर स्प्रिंग, ये दो रिटेनर स्प्रिंग इस कैम के ऊपर रोलर के जरिए वो उसको माउंटेड करके रखता है ब्रेक शू को। जैसे हम ब्रेक दबाया यार, यहाँ से ब्रेक चेम्बर में एंट्री हो गया, ब्रेक चेम्बर में एंट्री जैसे हो गया वो पुश रॉड को बाहर दबाएगा, जैसे पुश रॉड को बाहर दबाया तो ये स्लैग एडजस्टर ऐसा आगे तरफ मूव होगा, ऐसा स्लैग एडजस्टर मूव होगा तो स्लैग एडजस्टर साथ जो इस कैम का सेफ्ट है वो भी ऐसा आगे तरफ मूव हो जाए, घूम जाएगा। आगे तरफ मूव होने के बाद जैसा इस कैम भी ऐसा कंडीशन है वो भी ऐसा घूम गया, जैसे इस कैम ऐसा घूम गया तो जो ब्रेक शू है उसको बाहर तरफ एक्सपेंड करेगा, मतलब बाहर तरफ उसको फेंकेगा, जैसे बाहर तरफ एक्सपेंड किया वो जाके ब्रेक जो ड्रम है वो ड्रम में जाके ऐसा चिपकेगा, मतलब ड्रम में जाके ड्रम को रोकेगा। जैसे ड्रम को रोक दिया तो आपको गाड़ी में ब्रेक सिस्टम मतलब ब्रेक लग गया, जैसे आपको ब्रेक छोड़ दिया तो ब्रेक छोड़ने के बाद ये जो ब्रेक चेम्बर है वहां से एयर बाहर चल रहेगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद ये जो ब्रेक का पुशर बाहर गया था वो अंदर आ जाएगा, स्लैग एडजस्टर जो था वो अपना पोजीशन में आ जाएगा, और इस कैम का सेफ जैसे घुमा था वो भी अपना पोजीशन में आ जाएगा, और ब्रेक शू का जो दोनों रिटेनर स्प्रिंग है वो भी ब्रेक शू को ड्रम से अपना कंडीशन मतलब अपना पोजिशन में आ जाएगा, ब्रेक छोड़ देगा। ये है नॉर्मल ब्रेक सिस्टम, ऐसे ही काम करते हैं ड्रम का अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए बेसिक ब्रेक सिस्टम, अगर इसके बारे में कुछ डाउट रहे तो हमको जरूर कमेंट करके बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, आगे जाके हम और अच्छी तरीके से जानेंगे मॉडर्न एयरबैग सिस्टम में क्या क्या और फंक्शन होगा और क्या क्या नया कंपोनेंट ऐड होगा, कंपोनेंट के बारे में डिटेल्स जानेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।